नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी को अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, दो कंपनियां हैं जो बिजली के सामान में काफी चर्चा की जाती है। एक कंपनी है हैवेल्स और दूसरी कंपनी है पॉलीकैब। पिछले साल पॉलीकैब लिस्ट हुआ था। पॉलीकैब ने जिस तरीके का रिटर्न दिया है, जिस तरीके का प्रदर्शन किया है मित्रों, काफी जो निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, उनका एक फेवरेट स्टॉक होता जा रहा है। लोग पॉलीकैब को हैवेल्स पर ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। हैवेल्स आज की डेट में आप देखेंगे मित्रों, तो बिजली के केबल प्रोडक्ट वगैरह बनाने के साथ साथ वो जो लॉयड का एसी फ्रिज का जो बिजनेस था, उसको भी उसने एक्वायर कर लिया था। तो उसमें एक सेगमेंट एक्स्ट्रा जुड़ गया था। पॉलीकैब में ऐसा नहीं है। पॉलीकैब अभी नया कंपनी है, लेकिन पॉलीकैब के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है मित्रों और जो कीमत है, उस हिसाब से देखा जाए तो कस्टमर के बीच में जो ग्राहक होते हैं, जो यूजर होते हैं, उनके बीच में पॉलीकैब हैवेल्स की तुलना में आकर्षक ज़्यादा हो गया है। और उस आकर्षक का नतीजा ये है मित्रों कि जो बिजनेस की ग्रोथ हो रही है पॉलीकैब की, वो हैवेल्स से कहीं अधिक है। लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया है। हैवेल्स जो है B2C बिजनेस में, B2C बोले तो बिजनेस टू कस्टमर, और पॉलीकैब की बात करें तो वो दोनों सेगमेंट है, B2B भी है यानी बिजनेस टू बिजनेस है, और बिजनेस टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर्स भी है। लेकिन पॉलीकैब का ज्यादा बिजनेस B2B से आता है, फिर भी रिटेल सेगमेंट में लगातार आकर्षक बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों कंपनियों की तुलना करने जा रहा हूँ कि कौन सी कंपनी आकर्षक है और कौन सी कंपनी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, हैवेल्स या फिर पॉलीकैब। तो आइए चलते हैं मित्रों। जो भी तुलना के मानक होते हैं, सभी इन मानकों को मैंने यहाँ लिख दिया है मित्रों। मार्केट कैपिटल, PE, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड, ROC, ROE, रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर सेल्स जो ग्रोथ हो रहा है वो, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, स्टॉक का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है, फिर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्लेज कितना किया गया है, FII का कितना हिस्सा है, एबिटा मार्जिन कितना है, और पैट यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इन सभी मानकों पे हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा सही है। तो हैवेल्स का जो मार्केट कैपिटल है मित्रों, वो 38,790 करोड़ है, यानी प्योर यह जो कंपनी है वो लार्ज कैप में है। यदि PE आप देखेंगे तो 51.26 है, PE 51.26 है। यदि आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 68 है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे मित्रों तो 8.74 है। डिविडेंड यदि आप देखेंगे तो डिविडेंड 0.73% दे रहा है। ROCE यदि आप देखेंगे मित्रों तो ROCE का 28.55 है। ROE यदि आप देखेंगे मित्रों तो 19.86, और रिटर्न ऑन एसेट ROE देखेंगे मित्रों तो 11.40 है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.02 है। सेल्स ग्रोथ यदि आप देखेंगे मित्रों तो 10 सालों का 7.07% है, यानी पिछले 10 सालों में इसके सेल्स है लगभग 7% की दर से बढ़ गई है। यदि 5 साल देखेंगे, 5 साल में मित्रों 4.82 है। 3 साल के यदि आप देखेंगे मित्रों तो 9.77 है। यदि प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे मित्रों तो प्रॉफिट ग्रोथ यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 68% का ग्रोथ चल रहा है, 68.55%। 3 साल का देखेंगे मित्रों तो 11.85% का।
सॉरी 5 सालों में, और यदि 3 सालों को देखेंगे तो 1106 दिन का है। स्टॉक CAGR देखेंगे मित्रों, स्टॉक का प्रदर्शन है कि जिस दर से इसने रिटर्न दिया है निवेशकों को, जितना पैसा बना के दिया शेयर होल्डर्स को, तो 10 सालों में इसने 26% के दर से रिटर्न दिया है। 5 साल में जाएंगे मित्रों तो 17% के दर से बढ़ रहा है। यदि आप 3 साल में जाएंगे तो 14.5 के दर से बढ़ रहा है, और 1 साल का -11% का रिटर्न ये दे चुका है। और यदि प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे मित्रों तो प्रमोटर होल्डिंग जो है इसका 59% है, 59.88। FII की प्लेज जो है 0 है, तो प्लेज कोई कुछ भी नहीं है। FII यदि आप देखेंगे तो 25.88 है, यानी FII ने 25% की हिस्सेदारी रख रखी है। और यदि आप देखेंगे DII को तो DII 6% रखे हैं। EBITDA मार्जिन देखेंगे मित्रों तो 13.42 है। EBITDA मार्जिन मतलब कि कामकाजी मुनाफा जो शुरू में दिखाई देता है, बाद में जब इसमें टैक्स वगैरह काट करके दिखाई देता है तो शुद्ध लाभ होता है, जिसको पैट मार्जिन कहते हैं। वो पैट मार्जिन हमको 7.8% यह है हैवेल्स का। अब हम देखते हैं इसके पैरेलल लिखते हैं पॉलीकैब का। पॉलीकैब का मित्रों मार्केट कैपिटल है 14,940। देखेंगे तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसके आधे से भी कम है पॉलीकैब। पॉलीकैब अभी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है और हैवेल्स लार्ज कैप की कंपनी है। और देखें मित्रों पीईस का देखेंगे मित्रों तो 21.90 है, पी इसका कम है। पी को समझते हैं पी क्या होता है मित्रों, पी का मतलब होता है कि हम किसी कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना पैसा उसको देने को तैयार है। तो पी जितना अधिक होता है वो शेयर उतना महंगा माना जाता है। अब देखिए यदि हम हैवेल्स को 51 रुपया देंगे तो हमको साल में 1 रुपया मिलेगा, और यदि पॉलीकैब को हम 21 रुपया देते हैं तो हमको 1 रुपया मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि लाभ यहाँ पर पॉलीकैब में ज्यादा है। और दूसरा मानक देखते हैं मित्रों, बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 236 है। और देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे मित्रों तो 4.06 है। बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा मायने रखता है मित्रों। ये प्राइस टू बुक वैल्यू समझते हैं क्या होता है। बुक वैल्यू से सामान्य आशय होता है मित्रों कि किसी कंपनी की पूरी संपत्ति बेच दी जाए तो एक शेयर धारक को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। यानी एक तरह से देखा जाए तो किसी भी शेयर की, एक शेयर की जो औकात होती है वो बुक वैल्यू होती है। तो प्रयास यह करना चाहिए कि वो शेयर खरीदा जाए, वो शेयर इन्वेस्ट किया जाए जो अपने बुक वैल्यू के नजदीक मिले। और प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस चलता है उसमें बुक वैल्यू से जो डिवाइड किया जाता है वो निकलता है प्राइस आवली बुक वैल्यू रेशियो। तो वो जितना ही कम होता है वो शेयर उतना ही अच्छा माना जाता है। तो हैवेल्स का जो है प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 8.74 है, और इसका जो प्राइस बुक वैल्यू है वो 4.06 है। अर्थात ये देखिए पीई के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 गुना कम, हैवेल्स 2.5 गुना महंगा है, और यहाँ भी देखेंगे तो हैवेल्स पॉलीकैब से 2 गुना महंगा है। दोनों मामले में पॉलीकैब जो है बाजी मार रहा है। और आगे बढ़ते हैं देखते हैं डिविडेंड यदि देखते हैं मित्रों तो डिविडेंड इसका 0.28% है, डिविडेंड इसका कम है। लेकिन एक चीज हम समझ लें मित्रों कि डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन ये जरूर ध्यान दें कि डिविडेंड देने वाली कंपनी हो नहीं इसके लिए,
क्योंकि यदि कंपनी डिविडेंड देती है तो एक समय बाद जो हमारा शेयर होता है वो शेयर फ्री हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड निवेशक को कम देती हैं और उस पैसे को नई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो क्या होता है कि शेयर का भाव और बढ़ता है, शेयर धारकों को वो और अधिक रिटर्न मिलता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री आप देखेंगे कि हर साल जो है कुछ न कुछ नए एक्वायर करती है, नए बिजनेस में प्रवेश करती है। तो कैसे करती है, डिविडेंड कम देती है। अब डिविडेंड देने के मामले में देखेंगे तो सरकारी कंपनियां सबसे अधिक डिविडेंड देती है, चाहे HPCL को ले लीजिए, भारत पेट्रोलियम को, इंडियन ऑयल को, REC, PFC। लेकिन स्टॉक का यदि CAGR देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। तो बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी अच्छी नहीं होती हैं। और देखते हैं ROC, यदि आप देखेंगे मित्रों तो 27.78 है, यानी लगभग बराबर है। और देखें ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यदि आप देखेंगे मित्रों तो 19.19 है, ये भी लगभग बराबर है। और यदि आप देखेंगे मित्रों ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट, यदि आप देखते हैं तो यह 9.98 है। तो वो पॉलीकैब को देखेंगे मित्रों, लगभग 1.5% से हैवेल्स ज्यादा है पॉलीकैब की तुलना में, क्योंकि हैवेल्स का जो 11.40 है। और देखिए यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.10 है। अब सेल्स ग्रोथ आता है मित्रों, तो सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों का इसका पॉलीकैब का नहीं है, 5 सालों का मित्रों 14.81 है और 3 सालों का 15.21 है। अब देखिए कितना फर्क है, हैवेल्स का 5 सालों का 4.8 टू इसका 14, यानी लगभग 3 गुनी ऊपर है सेल्स जो ग्रोथ बढ़ रही है। और 3 सालों का देखेंगे तो 9.77 है, तो 1500, यानी 1.5 गुना दर से वहां भी बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण सीधा सीधा ये है मित्रों कि जितने में एक हैवेल्स का फैन आता है उसी क्वालिटी का पॉलीकैब में आपको 2 पंखे मिल जाएंगे, या यूं कहें कि 2 हैवेल्स के फैन में आप पॉलीकैब के 3 पंखे ले सकते हैं। तो उस तरीके से क्वालिटी अच्छी है और सामान भी कीमत के अनुसार कुछ सस्ता है, लिहाजा उसका सेल्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इसका सर्वे करिए, किसी भी बिजली वाले दुकान पर चले जाइए, उससे पूछिए कि सबसे ज्यादा केबल किसके बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के प्रोडक्ट किसके बिक रहे हैं। मैंने ये रिसर्च किया है, जिस समय पॉलीकैब लिस्टेड नहीं था तभी लोगों ने बता दिया था कि पॉलीकैब सबसे अच्छा जा रहा है। मैंने पॉलीकैब के IPO में पैसा लगाया था, वो फायदा भी हुआ था और अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में पॉलीकैब पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं मित्रों, यदि प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं मित्रों, 10 सालों का इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, 5 सालों का मित्रों यह 41.84 से बढ़ रहा है और 3 सालों का 38.93। फिर देखिए ये 11%, यहाँ 41%, लगभग 4 गुने का अंतर हो गया। और 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ का भी ये भी फिर देखिए 11.638, यानी ये भी 3 गुने से अधिक है। और देखिए मित्रों स्टॉक CAGR, क्योंकि अभी पॉलीकैब को मुश्किल से 1 साल हो रहा है लिस्ट हुए, इसलिए उसका आंकड़ा नहीं है। और देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है मित्रों 68.60 है। अब देखिए यहां पर 59 है, यहां पर 68 है, यहां भी ज्यादा है प्रमोटर होल्डिंग। प्लेज इसका भी 0 है, ये भी 0। प्रमोटर होल्डिंग के अतिरिक्त इनका भी प्लेज परसेंटेज 0 है मित्रों, शेयर प्लेज 0 किया गया। FII की होल्डिंग इसमें कुछ कम है, 4.64 है। DII की होल्डिंग इसमें पॉलीकैब में ज्यादा है, FII कम है। EBITDA मार्जिन 12.78 है और PAT मार्जिन 6.88 है। यदि मित्रों आप यदि इसको हम
सही का निशान लगावे, तो किसमें ज्यादा सही का निशान लगता है मित्रों? तुलनात्मक रूप से आप देखिए, देखिए पीई में ये सही है, पी वाई बी में भी ये सही है, डिविडेंड ये ज्यादा सही है, आरओसी लगभग बराबर ही, आरओसी तो इसमें ये सही है, और देखिए सेल्स ग्रोथ में ये सही है, ये सही है, प्रॉफिट मार्जिन में ये सही है, ये सही है, और यदि आप देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग में भी ये सही है, और स्टॉक प्रदर्शन देखेंगे मित्रों तो इनका माइनस एक साल में 11% है, इसका 70% से अधिक का रिटर्न है, तो ये भी इसमें सही है, और आप देखेंगे FII DII की भी सही है, तो कुल मिला के देखेंगे मित्रों जो इसमें जो मार्क सबसे ज्यादा इसमें आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें मुश्किल से 4 या 5 हो रहा है। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि पॉलीकैब इज बेटर चॉइस देन हैवेल्स एट प्रेजेंट सिनेरियो। तो हमें हैवेल्स की तुलना में पॉलीकैब को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। हालांकि इस सेगमेंट का एक और कंपनी है मित्रों जिसको हम चाहें तो तुलना कर सकते हैं, वो कंपनी है साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी वीगार्ड। पहले ये यूपीएस और पावर बैटरी वगैरह इन्वर्टर वगैरह में काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये बिजनेस में पैर फैला रही है और तेजी से एक्सपैंड कर रही है। साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है और नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे पैर पसार रही है, तो उसको भी यदि आप देखेंगे मित्रों वी गार्ड का, तो वी गार्ड जो है वो पॉलीकैब से भी छोटी कंपनी है, यानी उसका मार्केट कैपिटल 9,812 करोड़ है, अर्थात ये मिड कैप कंपनी है, उससे छोटी कंपनी है। लेकिन पी देखेंगे मित्रों तो वी गार्ड का पी 48.41 है, तो पॉलीकैब का पी 21.90 है, यानी फिर वहां पर बाजी मार रहा है पॉलीकैब। और देखेंगे मित्रों पी वाई बी उसका 10.15 है, इसका 4.06 है, यानी फिर पॉलीकैब वी गार्ड से भी अच्छा है। डिविडेंड देखेंगे मित्रों तो 0.35 डिविडेंड एज इट इज है कोई। आरओसी देखेंगे तो 25.98 है वी गार्ड की, लेकिन पॉलीकैब की है 27.78, बढ़िया। आरओई वी गार्ड का सही है 20.07 है, उनका 19.19 है। रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे मित्रों तो फिर वीगार्ड अच्छा हो रहा है 13.20 का, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी एज इट इज है। और यदि आप देखेंगे मित्रों तो सेल्स ग्रोथ इसका कुछ डाउन हुआ है, तो वीगार्ड भी सही है, लेकिन पॉलीकैब इज बेस्ट बाय इन इलेक्ट्रिकल मैटर, हर मामले में अच्छा है, और भी सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा, यह मेरे तरफ से किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सलाह नहीं है, मेरी कुछ जानकारी है जो मैंने आपको पास ऑन किया है। ये सारी जानकारियां स्क्रीनर वेबसाइट से ली गई। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, हो सकता हो कि कोई इससे लाभ उठावे, कोई अपना निवेश निर्णय लेवे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।